माय गॉड, ये देख लो भाई साहब, ये शायद किसी सोल्जर की हेलमेट लग रही है मेरे को। लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं था कि लोग यार अपने खिलौने लेके जाएं, लेकिन कुछ मिसाइल तो गिरा नहीं है तो उसका मतलब सेफ है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड बोल रही हूँ, यहाँ पे जी क्योंकि जेड निशान देख रहे हो आप लोग, वो वाले एरिया में बोल सकते हो कि रशियन ट्रूप्स आए हुए थे। तो वहाँ पे देख सकते हो यार, लोग कपड़े अभी भी टंगे हुए हैं यार। ये कुछ ज़्यादा ही क्रेजी चीज़ मैंने लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ऊपर किसी कबर्ड लगे हुए हैं, कबर्ड में चीज़ें जो थी वैसी, ऊपर टीवी देखने को मिल रहा है मेरे को, और जो मिसाइल है वो भाई सबको चीरते हुए, भाई एक हिस्सा उधर हो गया, एक हिस्सा और बीच का हिस्सा ख़त्म ही हो गया। भाई तो यार मैं अभी यार यहाँ पे हॉस्टल के बाहर बैठा था, देख सकते हो ये मेरा डॉम है यार। यहाँ पर देख सकते हो सायरन बज रही है यार, वो ऐसे सायरन जब बजती है तब आपको अलर्ट होना पड़ता है, और नॉर्मली जहाँ पे चांसेस है कि वहाँ पर मतलब कुछ हो सकता है, वो लोग फिर जो बंकर है बंकर में जाकर छुपते हैं। वेलकम टू माई चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मेनियक। स्वागत है आप लोग का मेरे अगले वीडियो में। गाइस कैसे हो सभी लोग? तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा मैं ट्रेन जर्नी करके आया था लिवीव से खार्किव, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है, कुछ 30 से 40 किलोमीटर रशियन बॉर्डर के पास। टू बी ऑनेस्ट वी आर राइट नाउ इन फ्रंट लाइन, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा था, ये काफ़ी बढ़िया था। तो जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा था कि वी आर एक्चुअली इन द फ्रंट लाइन, यहाँ पे जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने में मिलेगी आपको, जो मैंने आप लोगों को लवीव में दिखाई थी। लवीव एक्चुअली काफ़ी दूर है यूक्रेन में, वेस्टर्न यूक्रेन में आता है वो, क्योंकि खार्किव गाइस जस्ट 30 से 40 किलोमीटर दूर है रशियन बॉर्डर से। यहाँ पे आप लोगों को जितने भी डिस्ट्रक्शंस है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि ऑफकोर्स धीरे धीरे मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा खार्किव के इंटीरियर्स में, एंड खार्किव ओब्लास्ट जो है उसके इंटीरियर्स में, एंड दिखाऊंगा कैसा है माहौल। एंड अगर आप लोग खार्किव के जो सीरियसनेस है इसके बारे में समझाऊँ तो आपको बता देता हूँ, ये जो प्लेस देख रहे हो, ये बिल्डिंग में मेरा हॉस्टल है, ऊपर देख सकते हो हॉस्टल लिखा हुआ है, सेंट्रल हॉस्टल, बहुत ही सेंट्रल लोकेशन में है ये। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैकडॉनल्ड्स है, और मैकडॉनल्ड्स जो है वो बंद पड़ा है। सही बता रहा हूँ, मैं दुनिया भर में इतनी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, मैकडॉनल्ड्स को मैंने बंद बहुत ही कम जगह पर देखा है। एंड मतलब मेन रीज़न आप ये मैकडॉनल्ड्स को बंद देख रहे हो इज बिकॉज ऑफ द वॉर, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स नहीं चाहता है कि वो वॉर के वजह से अफेक्ट होए, और न्यूज़ में आया है कि मैकडॉनल्ड्स के इतने इतने लोगों को इंजरी हुई है या फिर इतने सारे लोगों की कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि वो इंटरनेशनल चेन है एंड दे डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो इसीलिए मैकडॉनल्ड्स को इन्होंने अर्ली स्टेज ऑफ वॉर में बंद कर दिया था। देख सकते हो आप लोग टेबल्स वगैरह सारे भाई उठा दिए इन्होंने, जो कि आपको बता देती है कि यार जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। एंड टू बी ऑनेस्ट कल रात को मेरे को नींद नहीं आई थी, क्योंकि कल रात को मैं हॉस्टल में बैठा था और जो सायरन है वो बजने लगा, जो कि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था यूक्रेन में। मैंने इसके लिए सुना था कि ये काफ़ी होता है, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि मैं सायरन मेरे को सुनने को मिला है। एंड रात को नॉर्मली खार्किव में सायरन सुनने को मिलती है, एंड यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुका है इस चीज़ से, इतने पक चुके हैं उस आवाज़ से कि वो लिटरली जाते भी नहीं है बंकर में, वो आराम से जैसे उनकी लाइफ है वैसे जीते हैं यार। वो जैसे मैं जब बालकनी में बैठा था, सारे लोग अपने आराम से भाई सो रहे थे भाई, बल्कि भाई सायरन बज रहा है। तो गाइस अभी हम लोग हैं कुछ अराउंड बोल सकते हो एक घंटे की दूरी में खार्किव से, और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं इज्यूम करके जो प्लेस है यहाँ पे। पूरा माहौल देख सकते हो, यहाँ पे थोड़े बहुत मार्केट्स हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत लोग आपको यूनिफॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली ये लोग जो फ्रंट लाइनर्स है, फ्रंट लाइन में ये लोग काम करने जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो लोग फ्रंट लाइन से जाने से पहले किसी को कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, शूज़ हो गए, यहाँ पे कपड़े हो गए, और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे आप लोग को ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग खार्किव से कुछ अराउंड एक घंटा 20 मिनट ड्राइव करने के बाद हम लोग आए हैं सदर्न यूक्रेन में, जो कि अगेन ईस्ट की तरफ आता है। एंड अगर देखा जाए तो जो खार्किव ओब्लास्ट है ओब्लास्ट में आता है, एंड द नेम इज़ इज्यूम। अगर आप लोग इज्यूम का नाम सर्च करोगे तो द फर्स्ट थिंग यू वुड गेट इज़ द डिस्ट्रक्शन विच इज्यूम हैज़ सफर्ड ड्यूरिंग द रशियन यूक्रेनियन वॉर लास्ट ईयर, एंड उसके थोड़े बहुत इंप्रेशन आप यहाँ पे मेरे आगे देख सकते हो। ये फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे एक आई थिंक मोस्ट रेस्टोरेंट था यहाँ पे, एंड रेस्टोरेंट ये हालात देख सकते हो आप लोग। एंड ये बस शुरुआत है, जैसे मैंने बताया कि खार्किव जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस देखने को मिली है, एंड क्योंकि ये क्लोज टू द फ्रंट लाइन है,
आई थिंक वी आर इन द फ्रंट लाइन अगेन. अगर आप इसको कुछ एक साल या फिर 6 से 8 महीने अगर पीछे चले जाओगे तो यहाँ पे एक्चुअल में वॉर हो रही थी. यहाँ पे थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स डैमेज है, यहाँ पे आई एम श्योर बहुत ही खतरनाक आग लगी होगी. एंड यहाँ पे अगेन एक गाड़ी है जो अगेन डैमेज है. तो हमारे साथ है गाइज स्निजाना. So yep. She is Snizana who is helping me in Izium. And can you tell me Snizana, which part of Ukraine you are from? Yeah, so I'm from Lugansk region. तो अगर आप लोग बता दूँ लुगांस जो है वो बहुत ही नज़दीक है रशियन बॉर्डर से. But you stay in Kharkiv. Yeah, like right now I'm living in Kharkiv. Yeah. Because I obviously cannot go back home because it's occupied by Russia. तो यहाँ पे एक सायरन बजने लगी. And what why do you think the siren is? Because Russians are hitting some missiles. Okay. Yeah, भाई आपने भाई siren. मैंने कल रात को भी भाई जो जब मैं सो रहा था रात को तब मैंने सुना था ये. लेकिन कुछ मिसाइल तो गिरा नहीं है तो इसका मतलब सेफ है हमको. तो यहाँ पे ये बता रही है कि यहाँ पे जितने भी locals हैं वो लोग एक ऐसे what do you call this? It's called tourniquet. 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 Okay. तो यहाँ पे एक specially last year से इन्होंने जितने भी locals हैं सारे ये carry करते हैं. टॉर्नी कैट बोलते हैं स्पेसिफिकली जो भी रीजन ईस्ट यूक्रेन की तरफ आता है मैक्सिमम लोग ये कैरी करते हैं. इफ इट्स योर लिम द आर्टरीज आर वेरी थिक हियर सो द थिकेस्ट प्लेस इन आवर बॉडी द थिकेस्ट प्लेस फॉर लिम्स आर्टरीज आर हियर एंड आल्सो हियर से योर आर्म गेट्स एम्पिटेटेड इट फ्लाइज अवे देयर इज अ थिक आर्टरी एंड यू आर गोइंग टू ब्लीड आउट लेट्स से ऑन एवरेज यू विल लूज इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड टू पास away in about 30-40 seconds. Get tight. You make it as tight as possible and you want the tourniquet to be high because again the artery is very thick here. So we want to apply tourniquet. So you have to do everything to just stop the flow of blood. Yeah, your key task here is just to stop the blood from leaving your body because you're going to die. Yeah. We don't know how fast you can die but from like let's say from limbs from legs especially this is actually the first place you bleed out in combat zone. So what we do, we apply tourniquet high and then we make it tight. Yeah. So first we do it with a strap. Yeah. And then the stick comes. Yeah. And then you start twisting. तो इसको आपने टाइट करा उसके बाद ये जो देख रहे हो इसको जितना like, आप घुमाओगे really टाइट तो ये देख लिया भाई आप लोगों ने. ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भाई. आई होप कि भाई हमको भाई ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ी बट ये सारे जितने भी लोग लास्ट ईयर में वॉर जोन में थे उनको सभी को ये सीखना पड़ा था क्योंकि आपको नहीं पता कभी भी कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है एंड आपको भाई ज़रूरत पड़ सकती है. ये जो शहर था वो लास्ट ईयर का टाइम जैसे मैंने बताया प्रीटी मच मैक्सिमम शहर डिस्ट्रॉय हो चुका था. यहाँ पे एज सच कोई भी लोग रह नहीं रहे थे. अभी जो लाइफ है वो जैसे मैंने बताया कि बहुत नॉर्मल हो चुकी है. यहाँ पे लोग देख रहे हो आप लोग वॉक कर रहे हैं लोकल्स फिर से वापस आए हुए हैं यहाँ पे रहने के लिए. ये माहौल जो देख रहे हो आप लोग ये ऑफकोर्स लास्ट ईयर बहुत अलग था. ये देख लो भाई ये एक बिल्डिंग देख सको जहाँ डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है. कैन यू इमेजिन यार ये यूक्रेन है यार ऐसी कंट्री जहाँ पर इतना सब कुछ इतना बढ़िया था लाइफ इतनी नॉर्मल थी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल थी. मुझे याद है जब पहले पुराने ट्रैवलर्स यूक्रेन ट्रैवल करने आते थे इतने बड़े बड़े स्टोरीज सुनाते थे यूक्रेन के बारे में. एंड अभी फ़िलहाल देख सकते हो यार यूक्रेन जो है ऐसा हो चुका है विश्वास नहीं था कि यहाँ पे मिसाइल गिरा हुआ है एंड मैं यहाँ पे चल रहा हूँ. मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है कि यार ऐसे एक प्लेस में जहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है एक इतना प्यारा सा म्यूज़िक यहाँ पे चलाया हुआ है. यहाँ पे पूरा माहौल देख सकते हो यार भाई साहब यहाँ पर कुछ तो यार शायद यहाँ पे कुछ तो ऐसा सुपर मार्केट वगैरह लग रही है मेरे को. एंड हाँ जी सुपर मार्केट वगैरह कुछ लग रही है. एंड आप लोग देख सकते हो माहौल कैसे हो चुके हैं यहाँ पे. एक चीज़ का तो मुझे यार क्रेडिट देना पड़ेगा यूक्रेनियंस को यार यहाँ के जो लोग इतने ज़्यादा रेजिलिएंट इतना रेजिलियंस दिखाया यहाँ के लोगों ने यार. इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ के लोग मतलब इतने हंसते खुलते हुए आते हैं. जब मैं ट्रेन में भी आ रहा था लोग इतने हंस रहे थे मतलब इतने ख़राब टाइम देखने के बाद भी वो लोग यार मेक श्योर कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ मतलब किस तरह जिए वो सही में यार दाद देने वाली बात है. दिस इज बेसिकली लाइक बेसमेंट्स लाइक दिस वर द मेन शेल्टर्स फॉर यूक्रेनियंस ओके फ्रॉम मिसाइल्स एंड फ्रॉम जस्ट फ्रॉम कॉम्बैट एक्शंस. या तो लास्ट जब यहाँ पे वॉर चल रहे थे तो काफ़ी सारे लोग अपने जान बचाने के लिए ऐसे बेसमेंट में जाके रहा करते थे. और ये तो बहुत छोटा सा बेसमेंट है नॉर्मली लोग मतलब बड़े बड़े बेसमेंट में यार जाके अपने बिल्डिंग के जो अंडरग्राउंड बेसमेंट जो मैंने आपको लिव्यू में दिखाया था वैसा सिमिलर सा मतलब हफ्तों तक मतलब
मतलब 10 दिन से 7 दिन से मतलब वहीं पे बेसमेंट में रह रहे, क्योंकि बाहर आना इतना अनसेफ हो गया था कि उनको भाई बहुत टाइम तक कोई बेसमेंट में ही रहना पड़ा था। तो यहाँ पे यार एक स्कूल है बोल रहे हैं, एंड स्कूल भाई देख लो भाई, अभी समझ नहीं आ रहा भाई स्कूल था पहले क्या था, ऐसी हालत हो चुकी है अभी, बट ये पहले स्कूल था बोल रहे हैं यार, आई कांट बिलीव ऐसी हालत हो चुकी है स्कूल की यार। ओ माय गॉड, अंदर से पूरा खोखला हो चुका है यार ये। यहाँ पे एक्चुअली स्पेशली ये सारे जोन में आप लोगों को थोड़ा देख के रहना पड़ता है, क्योंकि जो घास है, जो ग्रीनरी दिख रहे हो यहाँ पे, चांसेस है कि अगर माइंस अभी बिछाई हुई हो, एंड जितने भी ईस्टर्न यूक्रेन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंस बिछाए गए हैं रशियन ट्रूप्स के थ्रू, एंड लोग बोल रहे हैं कि ये माइंस हटाने में यूक्रेन को आई थिंक आने के 10 से 15 साल लग जाएंगे। आई थिंक 10-15 साल में शायद जितने पूरे माइंस है वो शायद डीमाइन ना कर पाए, इतने ज़्यादा माइंस है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा देख के रहना पड़ता है। भाई देख लो भाई, स्कूल का एंट्रेंस टाइप है यार, लग रहा है कि भाई ओ माई गॉड, दिस इज़ लाइक द हेलमेट, ओ माई गॉड, ये देख लो भाई साहब, ये शायद किसी सोल्जर की हेलमेट लग रही है मेरे को यार, आई कांट बिलीव यार कि ये 1 साल पुरानी चीज़ है, ये देख सकते हो आप लोग, क्रेजी भाई, क्रेजी चीज़ है यार। तो भाई ये भाई देख लो यार, यहाँ पे आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली व्हाट डू यू थिंक, लाइक देयर वुड बी सम मिसाइल लाइक ड्रॉपिंग हियर और सम बॉम्ब और समथिंग, इट लुक्स लाइक सी द लाइक दोस थिंग्स दैट लाइक या दे गॉट बेंट इनसाइड, सो मोस्ट लाइकली इट वाज कमिंग हियर, बिकॉज़ सी देयर इज नो रूफ हियर एंड देयर इज सम रूफ देयर, Yeah. So I think this is where the missile hit and it bent everything mm-hmm. down. And like it was obviously 2 floors. Yeah. But the whole like floor got Oh my god. got smashed. Yeah. Yaar sahi bata raha hu. Believe nahi hota ye Ukraine yaar. Sahi bata raha hu. Oh my god. Ye pura mahol dekh lo aap log. यहाँ पे देख लो भाई, क्योंकि स्कूल था वो यहाँ पे सारे भाई टेबल चेयर्स जितने भी लोहे की चीज़ें थे वो, आई थिंक स्कूल का जो प्लेग्राउंड बोल सकते हो आप लोग या फिर जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बोल सकते हो वो लग रही है, एंड यहाँ पे देख सकते हो जो बास्केटबॉल कोर्ट का जो वो है, यस आई मीन सी देयर्स या इट्स स्कूल जिम, तो जिम और ये जितना भी आई थिंक इंडोर स्टेडियम टाइप जहाँ पे आप लोग को बास्केटबॉल, ये यार देख सकते हो ये बास्केटबॉल कोर्ट था ये, बट अभी फिलहाल देख लो भाई माहौल क्या हो चुकी है यार, देख लो यार, माय गॉड, अभी जो बिल्डिंग देख रहे हो आप लोग ये आई थिंक हमारी फ्रेंड बोल रही है ये होटल था, आप अगर ये मतलब जो निशान बची है उसको देख के समझ सकते हो, होटल यहाँ पे लिखा था, एंड ये अभी फिलहाल देख सकते हो ऐसे हालत हो चुकी है भाई होटल की यहाँ पे, एंड यहाँ पे भाई रोड है, रोड के आगे यहाँ पे भाई ये पूरा आगे का माहौल है, यहाँ से अगेन जो बिल्डिंग्स है सारे देख सकते हो आप लोग, ये वाले एरिया आई थिंक यहाँ पे आई थिंक सबसे ज्यादा मिसाइल्स आई थिंक लैंड हुए हैं यहाँ पे, दिस वाज अ बस स्टेशन, ओह दिस इज अ बस स्टेशन, या द ब्लू वन, एंड दोस आर जस्ट लाइक रेगुलर हाउसेस, तो यहाँ पे भाई आप लोगों ने घर देख लिया, तो ये वाला भाई इन्होंने बोला कि एक बस स्टेशन था, एंड यहाँ पे अगेन आई थिंक वो सुपरमार्केट था, एंड यहाँ पे एक घर था बोल रहे हैं, जहाँ पे जो माहौल देख सकते हो आप लोग, ये वाला पूरा जितना भी घर है ये तो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, पूरा काला काला देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे मैं थोड़े बहुत लोग अंदर भी जाते हुए देख रहा हूँ, मुझे लगता है इस तरफ शायद अभी भी लोग रह रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, अभी डिश टी वी लगी हुई है यहाँ पे कनेक्शन के लिए, ए सी लगा हुआ है यहाँ पे लोगों का, एंड तो यहाँ पे मैं फ्रेंड बोल रही हूँ यहाँ पे जी, क्योंकि जेड निशान देख रहे हो आप लोग, ये जहाँ पे भी जो भी बिल्डिंग में जेड का निशान देखने को मिलेगा वो वाले एरिया में बोल सकते हो कि रशियन ट्रूप्स आए हुए थे, ये वाला एरिया एक्चुअली, ये वाला बिल्डिंग एक्चुअली रशियन ट्रूप्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था, तो यहाँ पे खड़े हैं हम लोग, यहाँ पे रशियन लोग थे, एंड यहाँ पे एक्चुअली में ये एरिया है और रशियन लोगों ने ऑक्यूपाई किया था, तो यहाँ पे कोई एक बेसमेंट है बोल रहे हैं, जैसे बेसमेंट, ओह माय गॉड, okay so this is the basement where people usually yeah where people hide used to okay. hide to yahan pe aise bhai basements hote hain har building mein jo for example kahin se missile laga fire ho rahi hai to log aise basement mein jaake bhai chupte hain jisse actually bhai ghar ke andar ka building ke andar ka mahol hai and yahan pe bhai pura dekh sakte ho bhai electric circuit wagera and most probably yeah, I think ye shayad kisi ghar wagera hoga mujhe lagta hai yahan pe आई थिंक कोई सिलेंडर वगैरह है, लग रहा है सिलेंडर ही है जैसे देख सकते हो आप लोग, और ये बहुत गंदी तरीके से ब्लास्ट भी हुआ है लग रहा है मेरे को, और वहाँ पे अगेन कोई फर्नीचर लगी हुई है, यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्नीचर लगे हुए, यहाँ पे भाई हीटर लगा हुआ है देख सकते हो आप लोग, हीटर लगा हुआ है, एंड ये सारा भाई पूरा माहौल है यहाँ पे, अगेन आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे शायद कोई इससे बाथरूम है ये, तो ये देख लो भाई ये एक्चुअली बाथरूम है जहाँ पर यार बेसिन लगा हुआ है, यहाँ पे बाथटब है, एंड ये भाई पूरी कनेक्शन है यहाँ पे भाई साहब, ये देख लो यार, ये एक्चुअली से घर है यार,
ये फुल फ्लेज बेडरूम और ये किचन लग रही है। एंड आप लोग हर जगह से भाई ये माहौल देख सकते हो। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी हुई है। एंड सो दिस इज लाइक द फुल फ्लेज्ड अपार्टमेंट आई गेस। एंड देयर इज अ किचन, देयर इज अ बाथरूम। ये देख लो भाई यहाँ पे, ओ भाई साहब यहाँ पे देख लो बेड्स हैं, यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह लगे हुए हैं। यार लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं था कि लोग यार अपने खिलौने लेके जाएं। लोगों को यार जैसे हालात में उनको भागना पड़ा है, आप देख सकते हैं। बेटा टेलीफोन रखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, बच्चों के खिलौने वगैरह हैं। जैसे थे वैसे ही भाई, फिर उन्होंने छोड़ के चले, वो छोड़ के चले गए। यार चीज़ें देख रहा हूँ, मेरे लिए भी पहली बार है, समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूँ मैं सारी चीज़ों से, चीज़ों को देख कर। यहाँ पे भाई एक छोटा सा शॉप देख सकते हो आप लोग, ये बहुत ही रेयर है क्योंकि यहाँ पे भाई दूर दूर तक जितने भी शॉप्स हैं सारे बंद हो चुके हैं। बहुत कम यहाँ पे शॉप्स और सुपर मार्केट्स खुले हैं। एंड ये वन ऑफ द सुपर मार्केट देख सकते हो। एंड यहाँ का माहौल भाई देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाई बंदूकबाजी हुई है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी भाई रिस्ट्रिक्शन हुई है, यहाँ पे बुलेट शॉट्स वगैरह देख सकते हो आप लोग एंड जितने भी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे स्टिल ये देख लो भाई साहब, बट स्टिल यार यहाँ पे आप लोग को ये सुपर मार्केट देखने को मिल रहा है। सुपर मार्केट है वो भी अंदर से भाई देख सकते हो, यार खोखला हो चुका है, बट स्टिल ये चला रही है यहाँ पे अपना सुपर मार्केट जो भी है। वाह बड़ा है यार ये काफ़ी ज़्यादा। This was all one house? Yeah, this was all one house. Okay. And the missile hit directly in the middle. Okay. So it divided into two. Oh my god. Like 44 people died here. Okay. तो यहाँ पे एक बिल्डिंग देख सकते हैं, ये एक पूरी बिल्डिंग है बोल रहे हैं हमारे फ्रेंड। एंड ये प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट थिंग जो मैंने पूरे ये इज्यूम में देखा। यार एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बीच में एक मिसाइल ड्रॉप किया था, ऐसे बोल रहे हैं हमारे फ्रेंड। एंड मिसाइल ड्रॉप करने के बाद कुछ अराउंड 44 लोगों की डेथ हो चुकी थी। एंड ये लिटरली एक बिल्डिंग है, तो आप देख सकते हो ये एक पूरा एक बिल्डिंग था। ये दो बिल्डिंग नहीं तो देख रहे हो आप लोग, एक ही बिल्डिंग है ये। एंड ये दो बिल्डिंग, अभी एक बिल्डिंग में बीच में मिसाइल गिरा था। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार यहाँ पे एक छेद टाइप हो चुका है यहाँ पे यार। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मिसाइल राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा भाई यहाँ पे गड्ढा टाइप हो चुका है। तो जो मिसाइल ऊपर से गिरा है, जो बिल्डिंग है बिल्डिंग को चीरते हुए गिरी है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार पूरा मतलब घर के जितने भी चीज़ें हैं वो जैसे थे वैसे ही देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल देखोगे तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ से, तो वहाँ पे देख सकते हो यार लोगों के कपड़े अभी भी टंगे हुए हैं यार। ये कुछ ज़्यादा ही क्रेजी चीज़, मैंने लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ऊपर किसी कबर्ड लगे हुए हैं, कबर्ड में चीज़ें जो थी वैसी। ऊपर टीवी देखने को मिल रहा है मेरे को, और जो मिसाइल है वो भाई सबको चीरते हुए भाई एक हिस्सा उधर हो गया एक हिस्सा, और बीच का हिस्सा तो ख़त्म ही हो गया। You good? Yeah. Just a really sad place. You could move somewhere to the city center. सही बताऊँ तो यार जो मेरे फ्रेंड है वो तो रोने लगी देख कर यार ये, क्योंकि ऑफ कोर्स यार उसका एक कंट्री है एंड उसको पता है कि उसके लोगों की जान गई है। एंड इट्स नॉट ईजी फॉर हर, समझ आ रहा है मेरे को। जैसे मैं आप लोग बता रहा था इसके पहले गाइस कि यहाँ पे बहुत सारे जगह पे माइंस लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है कि यहाँ पे माइंस है। तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में लिखा है कि आगे जो इसके बाद का जो एरिया है घास का एरिया है जहाँ पे माइंस बिछाई हुई हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक सिंबल मतलब एक लिख दिया है यहाँ पे कि माइंस है, केयरफुल रहने के लिए। तो ऐसे भाई आप लोग को काफ़ी यहाँ पे ऐसे जगह भी देखने को मिल जाएंगे जैसे मैंने कहा। एंड ये तो यहाँ पे कम है, अगर आप थोड़ा और इंटीरियर में जाओगे तो घासों में तो आप पैर नहीं रख सकते, जितने भी घास है घास में पैर रखना ही मना कर रहे हैं सभी लोग, बोल रहे हैं कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं जितने भी लोकल्स लोग हैं।